नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ऑल अबाउट कार्स चैनल में। और ये है फ्रॉन्क्स ऑपुलेंट रेड कलर में, जो कि मारुति की नई पेशकश का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सुनने में आ रहा है। अंदर चलेंगे फटाफट से, अभी लोग घुसे हुए हैं तो पहले बाहर की बात कर लेते हैं। तो ऑपुलेंट रेड कलर है, 16 इंची के टायर्स आते हैं, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट से बात करें तो काफ़ी हद तक ग्रैंड विटारा जैसी लगती है, एंड जो बाहर एस्क्रॉस आती थी वैसी लगती है। आगे तरफ कैमरा आता है, यानी कि टॉप मॉडल में 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। साइड की प्रोफाइल भी अच्छी लग रही है, एंड रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने मिलते हैं। फटाफट चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसे हैं हमारे इंटीरियर। सो गाइस, यहाँ पे हमारे सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं। एंड बात करें हम लोग प्लेसमेंट की और हेडरूम की, तो हेडरूम भी एक्यूरेट है। एंड यहाँ पे कोई भी सनरूफ नहीं है। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी ठीक है। दोस्तों इसमें आता है 5-स्पीड गियरबॉक्स, 1.2 लीटर वाला मारुति का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। इंटीरियर वगैरह तो काफी हद तक बलिनो से इंस्पायर्ड है। ये टॉप एंड मॉडल है तो इसमें हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह सब देखने को मिल रहा है। चलते हैं फटाफट से पीछे, देखते हैं पीछे कैसा है स्पेस, क्या बड़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है, लेट्स चेक आउट। और चीज़ यार, कि जो गाड़ी का थर्ड है ना, अभी भी डोर्स का, वो पहले जैसे ही बलिनो जैसे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पीछे यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, इधर सारे कंट्रोल्स वगैरह हैं। अगर हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम 5.7 इंच में उसके हिसाब से सही है। पीछे आपको तीन तीन हेडरेस्ट मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी देखने को मिल रही है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको दो है, कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है, और इधर साइड मैगजीन होल्डर भी है। पीछे यहाँ पे 308 लीटर का बूट स्पेस आता है। पीछे हमें लैम्प देखने को मिलता है, और इधर हुक्स वगैरह भी हैं। एंड अगर हम टायर की बात करें तो टायर सेक्शन साइज जो है हमारा, वो आता है 195 16 16 इंच का टायर ही देखने को मिलता है हमें। स्पेयर व्हील भी पीछे, बैजिंग भी आती है फ्रॉन्क्स की, एंड 4 पॉइंटर हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पीछे की साइड में स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी आती है, यानी कि इसमें छोटी सी हमें बैटरी पैक भी मिलता है। दोस्तों बाकी आप लोग देखिए कमेंट सेक्शन, आप लोग के सोचते हैं फ्रॉन्क्स के बारे में। एंड अभी तो इनिशियल इंप्रेशन अच्छा लग रहा है। मेन मेजरली जो बात है फ्रॉन्क्स की, वो ये है कि इसका प्राइस डिसाइड करेगा कि ये मार्केट में कितना अच्छी फिट बैठती है। क्योंकि प्राइस जो है, अगर इसका आपका बलिनो से लगभग 50-60 हज़ार रुपये ही ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छी साबित होगी मार्केट में। बट अगर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुई तो फिर लोग ब्रेजा की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना बल्कि फ्रॉन्क्स।